नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी का नाम बता देता हूँ और डेट बता देता हूँ कब का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 8/10/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। जैसे आप साथियों यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है, ये किस तरह की वैकेंसी है और कितनी सीट इसमें खाली है। तो यहाँ पर बात करें साथियों तो ये WCL के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट आपको अप्रेंटिसशिप के पद पर देखने को मिल जाता है। टोटल यदि वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 1218 टोटल इसमें सीट खाली है। डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 15/8/2024 आपको देखने को मिल जाती है और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो आपको यहाँ पर 28/10/2024 देखने को मिल जाती है। बात करें साथियों इसमें आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रूल है उसी के अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों तो इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे ITI के छात्र भी अप्लाई कर पाएंगे या जो छात्र डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करें तो कम से कम आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई भी आपको अप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें साथियों तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होने वाला है मेरिट पे होने वाला है, कोई भी किसी भी तरह का इंटरव्यू और कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अप्लाई कैसे होगा साथियों, तो ये आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। आप कहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि मोबाइल के द्वारा आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन इसका ऑल इंडिया है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करें किसमें यहाँ पर किन ट्रेडों के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कोपा ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक है, वायरमैन है, इसके बाद यहाँ पर सर्वेयर भी देखने को मिल जाता है, मैकेनिक, डीजल है साथियों, डॉकमैन, सिविल है, मशीनिस्ट है और टर्नर, और यहाँ पर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक भी देखने को मिल जाता है। यदि बात करें साथियों इसका नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे और फॉर्म कहां से फिलअप कर पाएंगे, तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं WCL अप्रेंटिस फॉर्म भरने का लिंक। तो यहां पर आपको क्लिक करके फॉर्म भरना है और यहां पर साथियों WCL अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे साथियों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दिया। इसमें जो आपको ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है, यदि बात करें तो फीटर के लिए टोटल इसमें ए यहाँ पर आप मिला सकते हैं, काउंट करके बताया गया है। यहाँ पर साथियों टोटल जो आपको सीट देखने को मिल जाती है यहाँ पर 229 देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की बात करें जो कि पहले नंबर पर आपको देखने को मिलता है, इसमें 171 सीट खाली है। फीटर के यहाँ पर 229 है, इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पर 251 देख सकते हैं, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक का आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों जिसमें 62 टोटल सीट खाली है, वायरमैन के लिए यहाँ पर 19 सीट खाली है, सर्वेयर के लिए यहाँ पर 18 सीट खाली है, इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक डीजल के आप देखेंगे तो टोटल इसमें आपको 39 सीट खाली देखने को मिल जाती है। वहीं साथियों यहाँ पर डॉकमैन सिविल में आप देखेंगे तो इसमें 7 सीटें खाली है और यहाँ पर मशीनिस्ट में आपको टोटल 9 सीट देखने को मिल जाती है। टर्नर की बात करें साथियों तो टर्नर में यहाँ पर 17 सीट खाली है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 19 और यहाँ पर साथियों टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या काउंट कर दिया गया, सभी का आप यहाँ पर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ट्रेडों के लिए अलग अलग यहाँ पर सीटें खाली है। अब इसमें यदि बात करें साथियों की जो डिप्लोमा धारक है और जो छात्र यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आप जान लीजिए, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फीटर का या इलेक्ट्रीशियन का या वेल्डर का, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका ITI का कोर्स इन ट्रेडों से कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी ट्रेड जिस ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए या तो वो NCVT से होना चाहिए या SCVT से, ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी अदर बोर्ड से आपने ये कोर्स कंप्लीट कर रखा है ITI का और इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं साथियों, तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का एक आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 10th मांगा गया है, प्लस यहाँ पर 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास है, तो सिक्योरिटी गार्ड के भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर क्या कंडीशन रखी गई, जो कि आप देख सकते हैं, और उम्र के बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे ही रखी है। इसमें बात कर लेते हैं साथियों कि यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो यदि आपने ITI का कोर्स एक साल का कर रखा है तो 7,700 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे, और यदि आपने ITI का कोर्स 2 साल का कर रखा है तो 8,050 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। और इसमें यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, मतलब कि 10वीं पास हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको साथियों 6,000 प्रति माह दिया जाएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा साथियों, आपका मेरिट बेस पे होगा, किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पर आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको जानकारी नहीं कि कैसे मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, जो कि एक वीडियो का लिंक रहेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे YouTube पे वीडियो आप देखेंगे, और वहां से आप अपने मोबाइल के द्वारा उस वीडियो को देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बिल्कुल आसान है, फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। एक साल का इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा साथियों, एक साल के बाद आपको जो है इसमें यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, तो आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 15/10 जो की कल की डेट से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, और 28/10/2024 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। जल्दी मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो लेकर आने वाला हूं, और जो आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कैसे आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी कोई भी नई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है। और मैं आपको बता दूं साथियों, अभी एक सरकारी नौकरी के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था, चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो, वो जाकर आप देख लीजिएगा, जिसमें सरकारी नौकरी के पोस्ट पर ITI छात्रों के लिए भर्ती निकल के आ रही है, तो आपके लिए वहां पर भी मौका है, उसको भी आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया भी था, और मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये भी जानकारी दिया था कि आप चाहें तो इसको मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म भरने का पूरा तरीका आपको लाइव प्रूफ दिखाया था, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आती है साथियों, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है, आपको अपडेट चाहिए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वैकेंसी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।